वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लासेस में हम सेंट्रल मूवमेंट और रो मूवमेंट के बीच में रिलेशन को समझेंगे। कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि इसके रिलेशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर रिलेशंस की बात करें, से आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन भी है, बट क्वेश्चन से पहले इनके रिलेशन को आप समझ लीजिए एक फॉर्मूले के थ्रू। देखिए, क्वेश्चंस बेसिकली आपने सबसे फर्स्ट क्लासेस में आपने सेंट्रल मूवमेंट के बारे में अच्छे से समझा, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड क्लासेस में आपने सेकंड क्लासेस में आपने रो मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपने समझा था, जो कि फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंसेस नहीं था, बस सेंट्रल मूवमेंट को और दोनों को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो आपका सेंट्रल मूवमेंट होता है वहां पर सिर्फ म्यू होता है, और जो आपका रो मूवमेंट होता है उसको भी म्यू से रिप्रेजेंट करता है, बट म्यू के ऊपर डैश लग जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए बस। तो ऑलरेडी फर्स्ट क्लासेस में सेंट्रल मूवमेंट क्या होता है डिस्कस हो चुका है, सेकंड क्लासेस में आपका रो मूवमेंट क्या होता है यह भी डिस्कस हो चुका है। आज की क्लास में दोनों के रिलेशंस के बारे में हम समझेंगे। तो आइए एक फॉर्मूले से इनके रिलेशंस को एस्टैब्लिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास में आप अपना रो मूवमेंट लीजिए। रो मूवमेंट आपके पास में, फॉर एग्जांपल, इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो मूवमेंट टू, रो मूवमेंट अलग अलग फॉर्मूला लेते हैं, रो मूवमेंट टू इक्वल्स टू, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंट्रल मूवमेंट टू है तो टू ही रहेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पास में रो मूवमेंट वन, यहां पे जो टू है उसके ऊपर आपका स्क्वायर लगेगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप समझिएगा क्या है, ये आपके पास में रो मूवमेंट है, डैश है, और उसके बाद आपके पास में टू है, तो अब आप जो है यही टू सेकंड आप लेंगे, लेकिन अब सेकंड आपका रो मूवमेंट नहीं होगा, सेंट्रल मूवमेंट होगा, इसके ऊपर डैश नहीं है। और ऑलवेज आपका हर फॉर्मूले में ऑलवेज आपके पास में रो मूवमेंट वन का आपका स्क्वायर, स्क्वायर क्यों रहा, रो मूवमेंट आपका वन फिक्स रहेगा ऑलवेज, बट यहाँ पे टू है तो पावर टू यूज कर लिया आपने। याद करने का बस लिंक करके याद कर लो। देखिए, दो था तो यहाँ पे दो टर्म्स लिखे, अब तीन होगा तो तीन टर्म्स लिखेंगे। अगर आप बात कर रहे हैं हम थर्ड की, तो थर्ड अगर आप निकाल रहे हैं तो बस आप यहां पर थर्ड ले लेंगे, म्यू थ्री ले लेंगे इसमें। और इसमें फर्क यह है कि आपका रो मूवमेंट है, ये आपका सेंट्रल मूवमेंट है, और तीन टर्म होंगे टोटल, इस बात का ध्यान रखिएगा, टोटल तीन टर्म होंगे। तो तीन टर्म आपके पास में, तो सेकंड टर्म कौन सा क्रिएट होगा यहाँ पर, ये हमेशा ऑलवेज लास्ट टर्म होगा ये, तो सेकंड टर्म कौन सा क्रिएट होगा, ये आपके पास में तीन है ना, तो आप यहाँ पर इस तरीके से तीन से स्टार्ट करें और ये इसमें एक कम कर दें, और आपके पास में सेंट्रल मूवमेंट वन तो रहेगा रहेगा। अब देखिएगा, ये लास्ट टर्म मैंने बताया था कि आपका सेंट्रल मूवमेंट वन रहेगा, बट यहां पर तीन है तो इसके ऊपर पावर आप क्या यूज करिए, थ्री यूज कर लीजिए। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं फोर की अगर मैं यूज करता हूं आपका रो मूवमेंट फोर, तो किस तरह से निकालेंगे आप मूवमेंट फोर, बट सेंट्रल मूवमेंट फोर होगा, चार टर्म है आपके पास में, तो आपका ये सेकंड टर्म क्या होगा, चार है ना, तो चार से स्टार्ट करेंगे, फोर मूवमेंट ये थ्री हो जाएगा। क्लियर है? और आपके पास में ये फर्स्ट तो आपका रहेगा रहेगा, इसके पास में एक मूवमेंट और आएगा, तो ये आपके पास में चार है, आप यहां पर बढ़ा दीजिए छह, और ये आपके पास में तीन से एक एक रिड्यूस कर दीजिए दो, और ये आपके पास में रहेगा रहेगा, लास्ट टर्म फाइनली वैसे ही करेंगे, ऑलवेज आपका रो मूवमेंट वन रहेगा, और पावर डिपेंड करता है कौन सा निकाल रहे हो, पावर फोर। ये देख लीजिए, थोड़ा इसको आप याद आपको करना होगा। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब आप इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इसको लर्न करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि सर आपने सेंट्रल मूवमेंट वन का और रो मूवमेंट वन में रिलेशन क्यों नहीं एस्टैब्लिश करा। बच्चे, सेंट्रल मूवमेंट वन ऑलरेडी आपने कैलकुलेट करा था, उसकी वैल्यू जीरो ही होती है, तो उसको निकालने की नीड नहीं है। ये पहली चीज आपको समझ में आए। दोनों में एक चीज देखिए कॉमन क्या है, लेफ्ट साइड पर आप अपना जो है म्यू डैश ही यूज कर रहे हैं,
म्यू टू डैश थ्री डैश फोर डैश, लेफ्ट साइड पे आप डैश ही यूज कर रहे हैं, तो रो मूवमेंट लेफ्ट साइड पे आप है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो जो चीजें सिमिलर है बस डैश हट गया, सिमिलर है बस डैश हटा देना है, डैश हटा देना है। तो आपका रो मूवमेंट से आप कहां पे जा रहे हैं, रो मूवमेंट से आप जा रहे हैं सेंटर मूवमेंट पे, बस डैश हटा देना। तो फर्स्ट टर्म तो सबका क्लियर है आपका, लास्ट टर्म में भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सब में, क्योंकि आपके पास में सब में एक चीज कॉमन है कि आपका रो मूवमेंट वन, रो मूवमेंट वन, रो मूवमेंट वन। अब पावर क्या है, अगर टू निकाल रहे तो टू, थ्री है तो थ्री, और फोर है तो फोर। अब बीच में क्या आ रहा है ये सवाल है, फर्स्ट एंड लास्ट तो सबका क्लियर है। तो दो है तो दो ही टर्म है, तो यहाँ बीच में कुछ नहीं आएगा। तीन है तो दो टर्म तो फाइनल है आपके, बीच में आएगा। तो तीन से स्टार्ट कर दीजिए, यहां से तीन है ना, तो तीन एज अ कॉन्स्टेंट नंबर ले लीजिए, और उसके बाद आपके पास में म्यू टू और ये फिर वन, जैसे लास्ट वाला था, तो ये हमेशा सबके साथ वन चिपकेगा चिपकेगा। तो आपके पास में रो मूवमेंट वन आ गया। इसी तरीके से फर्स्ट, और ये तो क्लियर है आपका। तो चार है तो चार से स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद इसमें से एक कम थ्री, और ये तो रहेगा रहेगा। एक टर्म और ले लीजिए चार के बाद छह, और बाकी तो सिमिलर चीजें, इसमें से एक कम कर दीजिए बाकी सेम रहेगा। थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे, याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके का आपके पास है, द फर्स्ट फोर मूवमेंट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द पॉइंट ए। देखिए पॉइंट ए आपके पास में एट गिवन है, तो बेसिकली रो मूवमेंट्स आपको गिवन है। तो रो मूवमेंट्स कौन कौन से आपके पास में, माइनस टू, नाइन, माइनस थर्टी एट एंड 177। फाइंड द फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट द मीन। अबाउट द मीन का मतलब क्या होता है कि आपको यहां पर सेंट्रल मूवमेंट निकालना है। ये क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो यहां पे पहले पूछिए। ये तो ए आपके पास में क्या होता है, ए एक अज्यूम नंबर होता है जो कि पहले भी गिवन है। तो बेसिकली आपको यहां पर गिवन क्या है, यहां पर आपको रो मूवमेंट गिवन है, और रो मूवमेंट आपको दे दिया है बस, और बोल रहा है कि आप यहां पर अपने सेंट्रल मूवमेंट कैलकुलेट करें। तो चलिए फॉर्मूला लगा करके आप इस चीज को जरा कैलकुलेट करो, किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। अगर आप सबसे पहले वन तो आप निकालेंगे नहीं, मैं अगर बात कर रहा हूं आपसे कि आपको यहां पर सेंट्रल मूवमेंट निकालना, सेंट्रल मूवमेंट वन क्यों निकालोगे आप मुझे एक बार बताओ, सेंट्रल मूवमेंट वन क्यों निकालोगे आप, वो तो जीरो होता है, वो निकालने की नीड है ही नहीं। हम निकालते हैं सेंट्रल मूवमेंट टू। सेकेंड फॉर्मूला क्या फॉर्मूला कहता है आपका, कि आप जो है डैश टू निकालने जा रहे हैं, तो दो ही टर्म यूज होंगे, एक तो आपके पास में टू रहेगा, डैश नहीं रहेगा, एक प्लस में ये आपके पास में डैश इसका स्क्वायर आपका रहेगा रहेगा, क्योंकि टू है तो स्क्वायर। अब आपके पास में यहां पर मूवमेंट टू, रो मूवमेंट टू आपको गिवन है। रो मूवमेंट टू क्या है, रो मूवमेंट फर्स्ट ये है एंड टू नाइन है, तो रो मूवमेंट टू आपका नाइन है इक्वल्स टू। अब यहां पर सारे आपके पास रो मूवमेंट है, इस ये वैल्यूज कौन सी है इसको देख लीजिए जरा एक बार, वन, टू, थ्री, रो मूवमेंट फोर। वन की वैल्यू आपकी है माइनस टू, रो मूवमेंट टू की वैल्यू है आपकी नाइन, एंड रो मूवमेंट थ्री की वैल्यू आपकी 38, एंड रो मूवमेंट फोर की वैल्यू आपकी 177। ये कुछ वैल्यूज हैं। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो आपके पास में आ गया नाइन, एंड सेकंड आपके पास में रहेगा, तो ये तो आपको फाइंड करना है टू और वन, वन के आपके पास में माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर, एंड नाइन ये माइनस ये फोर इक्वल्स टू टू, एंड सेकंड की वैल्यू क्या होगी आपके फाइव। तो यहां पर बेसिकली आपने क्या निकाला, अपना सेंट्रल मूवमेंट टू निकाला, सेंट्रल मूवमेंट वन तो आपका जीरो रहेगा। सिमिलर इसी तरीके से आप निकालेंगे थ्री का रिलेशन, तो आपके पास में सेंट्रल मूवमेंट थ्री प्लस थ्री सेंट्रल मूवमेंट टू एंड रो मूवमेंट वन प्लस ये फर्स्ट तो आपका रहेगा रहेगा डैश, और पावर तीन है तो पावर तीन यूज करेंगे। तो आपके पास में रो मूवमेंट थ्री की वैल्यू क्या है, रो मूवमेंट थ्री की वैल्यू है 38, माइनस पे तो नहीं ना, माइनस 38 है, हाँ जी माइनस 38 एंड थ्री, ये तो आप कैलकुलेट करने जा ही रहे, प्लस आपके पास में थ्री और टू की वैल्यू आप अपने यहां से ले सकते हैं फाइव, एंड वन की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास में है माइनस टू, एंड वन की वैल्यू ऑलरेडी है माइनस टू की पावर थ्री। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस 38 इक्वल्स टू
ये आपके पास में 15 और 30 माइनस 30 एन प्लस 8। आगे सॉल्व करेंगे आप इसको, सेंट्रल मूवमेंट 3 इक्वल्स टू माइनस 38 और ये आपके पास में माइनस 22, तो यहां हो जाएगा प्लस 22 एंड सेंट्रल मूवमेंट 3 इक्वल्स टू 6 एंड 3 में 2 गया 1, 16 एंड माइनस का 16। क्लियर है बच्चे? इसी तरीके से आप 4 भी निकाल सकते हैं, रो मूवमेंट 4 से रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं अगर आप, तो आपके पास में सेंट्रल मूवमेंट 4 सॉल्व करेंगे आप, यहां 4 से स्टार्ट करेंगे 3 और आपके पास है 1 और 6 2 1 और लास्ट स्टेप क्या रहेगा आपके पास है, रो मूवमेंट 1 और पावर 4 है तो 4 है तो पावर 4 यूज कर लीजिए। सॉल्व करेंगे आपके पास में 4, फॉर्मूला याद होना जरूरी है तभी आप चीजें कर पाएंगे। तो 4 आपके पास पे क्या है 177, 4 ये तो आप निकालने जा रहे हैं, और 4 और 3 की वैल्यू क्या आपने निकाला है माइनस 16 और फर्स्ट की वैल्यू आपके पास में माइनस 2 है। 6 2 की वैल्यू क्या निकाला था आपने, 2 की वैल्यू आपने 5 निकाला था, फर्स्ट की वैल्यू तो आपके पास में है, फर्स्ट की वैल्यू माइनस 2 रेज टू पावर 4। 177 इक्वल्स टू 4 सॉल्व करेंगे तो 128 प्लस 128 64 और दुनी, यहां सॉल्व करेंगे माइनस 60 और दो दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16। क्लियर है? आगे सॉल्व करते हैं तो 177 इक्वल्स टू म्यू 4 प्लस अब 128 84 एंड 4 की वैल्यू है 177 माइनस 84 एंड आपके पास में म्यू 4 सेंट्रल मोमेंट 4 इक्वल्स टू 93, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से रिलेशंस को समझ चुके हैं। सही बच्चे, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं आपको 2 मिनट का टाइम जरूर दूंगा और एक्स्ट्रा, किस लिए दूंगा, क्योंकि आप इस फॉर्मूले को आप अपने पास में मेमोराइज कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे थोड़ा स्पीड आपका पकड़ लेगा और आप इस, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज हो जाएगा अब आपका, फिर आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा कैसे करोगे। तो फॉर्मूला कम से कम लिख लीजिए आप एक बार और, तो जल्दी से करें फिर आगे बढ़ते हैं। 3 लेक्चर हो रहे हैं इसके ऊपर, फिर स्क्यूनेस कर्टेसिस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम टाइम सीरीज स्टार्ट करेंगे। हेलो, हेलो, फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हां जी बच्चे, जरा यहां पर आप देखेंगे तो आपके फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द मीन, तो आपका अबाउट द मीन का मतलब क्या है, मैंने स्टार्टिंग में भी क्लियर करा था कि अबाउट द मीन का मतलब आपका हो गया सेंट्रल मीन निकालना है। तो सेंट्रल मीन 1 तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सेंट्रल मूवमेंट में आपका 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस है, इसकी फर्स्ट क्लासेस में आपको मैंने बताया हुआ है। बाकी आपको सेंट्रल मूवमेंट 2, सेंट्रल मूवमेंट 3, सेंट्रल मूवमेंट 4, मतलब आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी है। लेकिन आप देखिएगा, सेंट्रल मूवमेंट जब आपने निकाला था तो उसके प्रोसेस में था क्या, उसके प्रोसेस में डाटा में से आप मीन को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, आपको याद होगा। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है, फिर उसके बाद एफ से मल्टीप्लाई करके 1 रेस्ट अपॉन में एन पावर 2 बाय एन समीशन,
वो चल रहा था, तो कहीं ना कहीं मीन हम डाटा में से मीन सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या है कि सीरीज को देखें तो ये आपके पास में 62 पे एंड हो रहा है और नेक्स्ट आपका इंटरवल 63 से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों के बीच में गैप आ गया, तो ये हमारा इंक्लूसिव सीरीज आ गया। जबकि हम कभी भी मीन कैलकुलेट करते हैं तो एक्सक्लूसिव सीरीज में कैलकुलेट करते हैं। ऑलरेडी इसको आपने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर कवर किया हुआ है, तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आपने इस बात को समझा था कि हम इसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप इसके बीच का गैप आपके 62 और 63 के बीच का गैप आपका 1 है, उस 1 गैप को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आपका आएगा, माइनस एंड प्लस करेंगे तो आपके चीजें डेसिमल में आ जाएगी, 59.5 एंड 61.5। देन उसके बाद मीन निकालना बहुत लेंथी आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, एक लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो एक काम कर लीजिए, यहां से आप जो है अपना सबसे पहले आपके लिए वो कैलकुलेट करना आसान है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक्स डेटा कैसे फाइंड होगा, इंटरवल लेते हैं आप, ठीक है? तो यहां से आपको मीन मत निकालिए, मीन यहां से आप मत निकालो, अपना रो मूवमेंट कैलकुलेट करो। रो मूवमेंट हमें एक कोई भी नंबर अज्यूम करना होता है, तो अज्यूम कैसे करेंगे आप इसको देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों का आप जो है सम डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो कितना आपके पास में आएगा 61, एंड यहां पर आप देख करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 64, 65, सॉरी यहां पर आप 67, इसके बीच में क्या आएगा आपका 70, इन दोनों के बीच का नंबर सम डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वैसे बीच का तो पता लग ही रहा है आपको क्या आएगा 73। अब यहां पर आप उस प्रोसीजर को आप याद करें जब आप रो मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे थे, तो रो मूवमेंट एक नंबर अज्यूम कर रहे थे, ए चाहिए था आपको, एक्स में से आप ए माइनस कर रहे थे, तो यहां पर आप मिडल वाले टर्म को ऐसा ए ले सकते 67, ठीक है बच्चे? अब आपने यहां पर 67 ले लिया, इसमें से क्या करें 67 माइनस करेंगे माइनस 6, 67 माइनस करेंगे माइनस 3, 0, 3 और 6। उसके बाद फ्रीक्वेंसी इसको मल्टीप्लाई करेगी, क्योंकि रो मोमेंट का फॉर्मूला क्या आपको मैंने बताया था, रो मोमेंट का फॉर्मूला अगर आप रो मोमेंट फर्स्ट निकालने जा रहे हैं तो उसका फॉर्मूला आपके पास में रहेगा समीशन एफ एक्स माइनस ए अपॉन एन, और ये फर्स्ट निकालने जा रहे हैं तो पावर ए की रहेगा इस पर, ठीक है? चलिए पहले निकाल लेते हैं। तो आप यहां पर इसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स माइनस ए, तो एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में माइनस 30, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 54, 0, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और ये 81, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। इसका आप समीशन कीजिए, समीशन करेंगे आप 48 प्लस 81 माइनस 54 माइनस 30 तो 45 आया, एंड आपने फर्स्ट निकाला 45 एंड अपॉन में एन, एन क्या है आपके पास में समीशन दिस, तो सॉल्व करेंगे इसको आप 5 प्लस 18 प्लस 42 प्लस 27 प्लस 8 तो आपके पास में आया 100, तो डिवाइडेड बाय आप क्या कर दीजिए 100, तो सॉल्व करेंगे 45 डिवाइडेड बाय 100 तो क्या आया आपका 0.45। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट? और इसी तरीके से आप 2 कैसे निकालेंगे, 2 के लिए आपको चाहिए एफ एक्स माइनस ए 2 के लिए पावर 2, कैसे होगा, ये एक है ना, ये एक है तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स माइनस ए एक बार, एक्स माइनस ए एक बार है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर 2 में आ जाएगा, तो माइनस 180, यहां 150 और 12 माइनस ये 162, 0 8 24 और 3 243, 6 8 48 और 4 24 और 4 28, ये आ गया आपके पास में। सॉल्व करेंगे आप यहां पे, फॉर्मूला आपके पास में 2 के लिए रो मोमेंट 2 किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप, समीशन एफ एक्स माइनस ए की पावर 2 अपॉन समीशन एफ 288 प्लस 243 प्लस 162 माइनस 180 513
और 513 अपॉन में 100, 5.13। जरा एक बार देख लो इसको। इसी तरीके से आप जो है रो मोमेंट 3 एंड रो मोमेंट 4 आप कैलकुलेट करें, जल्दी फास्ट करें। रो मोमेंट 3 और रो मोमेंट 4 कैलकुलेट कीजिए। डन बच्चों, क्लियर है? ये थोड़ा सा देख लेना बस, प्लस होगा नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, 288 प्लस 243 प्लस 162 प्लस 180, 873, 873 अपॉन 100, 8.73। कोई डाउट किसी बच्चे को, तो ये आपके पास में आ जाएगा। इसी तरीके से आपने 3 निकालना है, तो एफ एक्स माइनस ए की पावर 3, तो वो 2 तो है ही, एक बार एक ले लो तो पावर 3 हो जाएगा। तो 180 को आप 6 से गुणा कर दो, 108 माइनस का, और ये 0। 162 को 3 से गुणा कर दो, माइनस में 162 मल्टीप्लाई बाय 3, तो माइनस 486, ये तो 0 रहेगा आपका। 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 243 मल्टीप्लाई बाय 3, 729, और 288 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 288 मल्टीप्लाई बाय 6, 1728 प्लस 729 माइनस 486 माइनस 1080, तो यहां पर रिजल्ट है आपका 891। तो आप इस तरीके से अपना रो मोमेंट 3 निकालेंगे, 891 अपॉन 100 इक्वल्स टू 8.91। अब बात करें, यहां पर आपसे पूछ क्या रहा है, बेसिकली आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे अबाउट द मीन, मतलब आपसे सेंट्रल मोमेंट पूछ रहा है। तो सेंट्रल मोमेंट का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या, फॉर्मूला क्या है? तो आप सबसे पहले रिलेशन नंबर आप निकालें, कहां 2 से स्टार्ट करेंगे ना, क्लियर है? 2 से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास में म्यू 2 एंड दो ही टर्म यूज होना है, तो एक तो 1 वाला लास्ट टर्म आपका रहते रहता है, पावर 2 है, तो पावर 2 यूज कर लो। तो आपके पास में सेकेंड क्या आया, तो सेकेंड आपके पास में आया बच्चे 8.73, तो 8.73, और ये आपको फाइंड करना है सेंट्रल मोमेंट 2 फाइंड करना है, 1 तो 0 ही होता है। और आपका फर्स्ट क्या आया, फर्स्ट आपका आया 0.45 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आगे, 8.73 इक्वल्स टू 0.45 इनटू स्क्वायर प्लस 0.2025। सॉल्व करेंगे, 8.75 माइनस 0.2025, तो आपका रिजल्ट आता है म्यू 2 इक्वल्स टू सेंट्रल मोमेंट 2 इक्वल्स टू 8.5475। तो ये आपके पास में सेंट्रल मोमेंट 2 आया। सेंट्रल मोमेंट 3 भी निकाल लोगे, लेकिन आपको यहां पर एक चीज और निकालना है, 4 भी आप निकाल लीजिए, ठीक है बच्चे? क्लियर है? तो अब आप कर लोगे, पहले तो ये आपके 2 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 भी आप निकाल लीजिए, वो आपके यूज में आएगा आगे। 4 निकाल लोगे ना, एफ एक्स माइनस ए की पावर 4, कैसे इसको आप वापस इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो हो जाएगा। अब आपका कोई डाउट? और इसी तरीके से अब आपके पास में फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द अज्यूम्ड मीन 25 एंड कन्वर्ट देम इनटू द सेंट्रल मूवमेंट। बहुत आसान है, देखिएगा, आपको अज्यूम्ड मीन 25, ए इक्वल्स टू गिवन है, ए 25 है। सबसे पहले एक्स डेटा कैसे कैलकुलेट करोगे आप, एक्स डेटा कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 5, 15 मिड वैल्यू लेंगे सबका, 25 एंड 35 एक्स आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स माइनस ए और अज्यूम मीन ए बोलते हैं, तो आपका क्या है 25 है, तो माइनस 20 माइनस 10 0 एंड 10,
ये आ गया आपके पास में, और एफ है तो फिर आप उसके बाद एफ एक्स माइनस ए कैलकुलेट करोगे, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी जीरो एंड फोर्टी, क्लियर है बच्चे, एफ एक्स माइनस ए। तो यहां तो आपके पास वैल्यू क्या आई आपकी, जीरो। इसी तरीके से आप यहां पर एफ एक्स माइनस ए की पावर टू भी आप निकालेंगे, तो इसी को आप क्या करेंगे, वापस इससे आप एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 400 300 जीरो 400 सम करेंगे, चार और चार आठ, आठ और तीन 1100। तो इसी तरीके से आप यहां पर सबसे पहले अज्यूम मीन के थ्रू निकाल रहे हो। आप अज्यूम मीन का मतलब क्या हो गया, आप अपना रो मूवमेंट निकाल रहे हो, तो रो मूवमेंट आपका फर्स्ट क्या आएगा, रो मूवमेंट फर्स्ट आएगा समीशन एफ एक्स माइनस ए फर्स्ट है और अपॉन में समीशन एन, तो ये तो आपका जीरो आ गया। और रो मूवमेंट टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, रो मूवमेंट टू का समीशन एफ एक्स माइनस ए और इसकी पावर टू अपॉन में समीशन एफ, तो आपके पास में रो मूवमेंट टू इक्वल्स टू 1100 अपॉन समीशन एफ। समीशन एफ कितना है आपके पास, चार तीन सात और दोनों एक दस, 110। इसी तरीके से क्या आप थ्री निकाल लेंगे, क्या आप फोर निकाल लेंगे, और आपके पास में जब ये 1 2 3 4 आ गया, तो इसकी हेल्प से क्या आप अपना सेंट्रल मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। आपको मैंने सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया था, जब आपको रो मूवमेंट चारों पता हो, जब आपको रो मूवमेंट चारों पता हो, देखिए क्वेश्चन, जब चार रो मूवमेंट आपको पता है तो क्या आप अपने चार के चार अपने सेंट्रल मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सर ये बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां तो डायरेक्ट गिवन था, यहां पर आपने पहले क्या करा, यहां पर पहले आप अपने रो मूवमेंट चारों निकाल लो, इसको आपको मैंने क्लास नंबर 2 में सिखाया था, उसी तरीके से निकाल रहे हैं, और उससे फिर आप कन्वर्ट करके अपने सेंट्रल मूवमेंट पे आ जाओ। तो उम्मीद करता हूं हाँ जी, कैलकुलेटर तभी तो आपका स्टैट्स इतना आसान हो जाता है, फॉर्मूले तो है, सिलेबस लेंथी है, लेकिन आपके आंसर मार्क्स पूरे आ जाते हैं क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज करते हो, कोई गलती नहीं होती है आपकी। तो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में, और अगले 3 लेक्चर्स में हम स्क्यूजनेस और कर्टिसिस को वाइंड अप करेंगे, और उसके बाद फिर हम टाइम एंड सीरीज पे जाएंगे जो कि एक छोटा यूनिट रहेगा, और फिर फाइनली हम 5th एंड आपके लास्ट यूनिट को कवर करेंगे।